देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ दिशा। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद में सेक्टर 28-29 रोड पर एक तेज रफ्तार कार पलट गई। कार में सवार दो युवक और दो युवतियां घायल हुई हैं। वहीं कार की टक्कर से एक स्कूटी सवार महिला और उसके बच्चे को गंभीर चोट आई है। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कार चला रहा युवक नशे में धुत था। पुलिस के साथ भी उसने बदतमीजी की है। पुलिस हादसे को लेकर छानबीन कर रही है। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक पुलिस के सिपाही मुकेश ने बताया कि सेक्टर 29 की तरफ से कार तेज रफ्तार में आती हुई देखी गई। कार में चार लोग सवार थे। कार चलाने वाला युवक नशे में धुत था। स्टंट करने के चक्कर में कार को डिवाइडर पर चढ़ाया गया था। कार डिवाइडर पर ना चढ़कर डिवाइडर से टकरा कर करीब 50 मीटर दूर जाकर पलट गई। कार में बैठे सभी युवक युवतियों को बाहर निकाला गया और उनके परिवार को इसकी सूचना दी गई। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता रिंकू शर्मा की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।